अभी लगातार तेजस्वी यादव एक बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया, और साथ में जो मुकेश सहनी है वो घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है सभी दल का, लेकिन वहाँ केक काट के दिखाना, मछली खा के दिखाना, मतलब एक अलग ढंग से ऐसा रोल करना कि हम बिहार के लोग कितना संपन्न हैं उनको दिखा रहे हैं। गरीब भाई को जिसको खाने का औकात नहीं है तुम उसको ऊपर में ऐश करके दिखा रहे हो, भाई क्या है ये, क्या है ये, काम करके ना दिखाओ। तो अति पिछड़ा का बात लोग करते हैं, जिस अति पिछड़ा के वोट के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं, मालगाड़ी बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर को, वो अति पिछड़ा को सम्मान एनडीए ने दिया था। मैं वीआईटी राज व्यवस्था तो ध्वस्त था, चुनावी होने ही नहीं देते थे, जब ये चुनावी नहीं होने देते थे। आज बात कर रहे हैं कि बिहार के कल्याण की बात कर रहे हैं, एनडीए सरकार जो है एनडीए में ना सब कुछ यहाँ मिला है, बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को सब कुछ मिला है। अब ये थेथरई करे कुछ बोल दे, अब बोलने के लिए फ्री है, अपना बोले। आप लोग कितने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिख करके तब से बात सनसनी में आ जाता है। उसमें लिखते हैं कि देखिए जाति आधारित गणना जो बिहार में हुआ है वो तेजस्वी यादव जो सत्ता में आए हैं तो कराए हैं, लेकिन इस पर मामला छिड़ा हुआ है। वे हमारे साथ हरीश सहनी बिहार सरकार के मंत्री हैं। आखिरकार जाति आधारित गणना बिहार में किसने कराया ये जानने का जरूरी है क्या? ये बिहार के लोग नहीं जान रहे हैं। जिस समय में एनडीए का कार्यकाल था उस समय में हुआ, ये तो आम जन जान रहा है इनके बोलने से। ये बोलने का विषय भी है क्या? यहाँ हम लोग के साथ जब एनडीए में हमारे नीतीश जी के साथ यहाँ हमारे उस समय में आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब दिल्ली गए थे तो सब लोग साथ गए थे। अभी साथ गए थे तो ये हमारे तेजस्वी यादव जी वो साथ में पिछला गार्ड वाला बोगी में बैठ के गए थे क्या? अब ऐसा विषय बोलेगा खरा, कितना खराब लगने वाला विषय। ये जबरदस्ती जो कुछ हुआ हमने किया, बस ये सब विषय नहीं है भाई। ये काम एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ है। अब वो बोलकर जो कुछ कह दे कि हमने किया, तो ये बात बिहार की जनता अब जान रही है कि ये लोग किए धीए पर जो है ना ये कहते हैं कि मैंने किया। कुछ भी है जो जॉब की बात हो रही है सब कुछ एनडीए के कार्यकाल में, और ये केवल उसमें मोहर लगाने के लिए इनका मन होते रहता है। लेकिन अभी लगातार तेजस्वी यादव एक बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया, और साथ में जो मुकेश सहनी है वो घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को बचाना। नहीं नहीं, बात तो सही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जब जब उन लोगों को कुर्सी पर जो है ना संकट आता है, हार का नज़र आता है, जब हारने लगते हैं तो बोलते हैं वो कैसे कहेंगे कि हम हार रहे हैं। तो इसी शब्द को पलट कर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान तो तब खतरे में आ गया था जब इनके पिताश्री का कार्यकाल था। हर कुछ रोड नाला, बिजली पानी, सड़क, शिक्षा चिकित्सा सब कुछ, और लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त हो चुका था कि पूरा पूरा संविधान समाप्त। और थोड़ा याद कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था तो ध्वस्त था, चुनावी होने ही नहीं देते थे। जब ये चुनावी नहीं होने देते थे, आज बात कर रहे हैं कि बिहार के कल्याण की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार जो है एनडीए में ना सब कुछ यहाँ मिला है, बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को सब कुछ मिला है। अब ये थेथरई करे कुछ बोल दे, अब बोलने के लिए फ्री है, अपना बोले। आप लोग कितने कितने हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर को हमने ट्रैक्टर बना दिया है, सहनी भी साथ में है। अरे वो ट्रैक्टर से जितना पैसा उनके पास, सब जानता है कि बहुत सारा पैसा, कौन कौन घोटाला, कौन कौन घोटाला, तो वो खर्च कर रहे थे। उसको हम लोग कहे ना कहेंगे भाई ट्रैक्टर बनाओ, साइकिल बनाओ, बढ़िया बात है बनाओ, लेकिन जनता किसे चाहती है? ये जनता तो पहले मन बना चुकी है कि हमको ये
वार्ड मेंबर पंच सरपंच मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद का ये चुनाव नहीं है, ये हमको प्रधानमंत्री चुनना है। आम जन मान लिया है कि प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को ही चुनना है। ये सब आम जनता मान ली है कि आज जिस तरह दुनिया के मानचित्र पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाए हैं, गरीब को जिस तरह राहत दिए हैं, इसलिए आम जन मान लिए है कि हमें नरेंद्र भाई मोदी को चुनना है। अभी ट्रैक्टर बनावे या मालगाड़ी बना दे, लेकिन बिहार की जनता मन बना ली है कि हम नरेंद्र भाई मोदी को ही। लास्ट सवाल ये रहा सर कि तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है, सोनम महला का या तो मल्लाहों का नेता कह रहे हैं, और वो डबल सेंचुरी का केक काट के हेलीकॉप्टर में जो है वो विश कर रहे हैं, इसको कौन रोक लेगा? अरे आप ही अभी कह रहे हैं वो सोना के रथ बना लिया है, और ये उनसे जाके गठबंधन किए, कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन ये भी कोई नहीं रोक सकता है कि जिस अति पिछड़ा का बात लोग करते हैं, जिस अति पिछड़ा के वोट के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं, मालगाड़ी बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर को, वो अति पिछड़ा को सम्मान एनडीए ने दिया था। मैं भी जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, इसमें मेरा कोई खास विशेषता नहीं है, विशेषता है एनडीए ने दिया, एनडीए ने आरक्षण दिया, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे जैसे हजारों भाई वार्ड मेंबर पंच सरपंच मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष प्रमुख बने, ये तो एनडीए का न देन है। और फिर जो लोग बोल रहे हैं संविधान खतरे में आरक्षण, उनसे पूछिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद एक अति पिछड़ा के बेटा को, इस हरी सहनी को सर्वोच्च सदन का नेता प्रतिपक्ष बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, 75 साल के बाद। ये किसको दिए सो न पूछिए, जो बाबू बोल रहे हैं संविधान खतरे में उनको पूछिए ना कि आप जो कह रहे हो आरक्षण समाप्त, तू दे किसको रहे हो, किसको दिए हो, तुम्हारे आका अभी बंगाल में क्या कर रहे हैं, कैसे जो है अति पिछड़ा का जो है सो वहाँ में आरक्षण छीना जा रहा है। तो ये लोग देने वाला में से नहीं है, बोल बोल कर कुछ लोगों का काम है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन बोल कर ही हम अपना जो है सो काम निकाल लेंगे। लेकिन अब बोल कर काम निकालने से इनका काम नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जान चुकी है कि अति पिछड़ा हो या दलित महादलित हो, जो भी कुछ दिया आज तक वो एनडीए सरकार में मिला, अच्छा है सवर्ण का भी बात हो तो ये भी काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकाल में हुआ। जब से इनकी पार्टी बनी आज तक किसी भी समाज को ये दिए हैं क्या? तो दिए कभी नहीं, आ चिल्लाते हैं हमेशा, तब तो लोग जान गया ना कि चिल्लाने वाला पार्टी है, ये चिल्लाने वाला पार्टी है। भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है सभी दल का, लेकिन वहाँ केक काट के दिखाना, मछली खा के दिखाना, मतलब एक अलग ढंग से ऐसा रोल करना कि हम बिहार के लोग कितना संपन्न हैं उनको दिखा रहे हैं, गरीब भाई को जिसको खाने का औकात नहीं है तुम उसको ऊपर में ऐश करके दिखा रहे हो, भाई क्या है ये, क्या है भाई, काम करके ना दिखाओ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने, मालगाड़ी बनाने से क्या बिहार की जनता को लाभ मिल जाएगा क्या? नहीं ना। लाभ दिया किसने? एनडीए ने, हजारों हजार पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित सबको लाभ मिला, वो जनप्रतिनिधि बने, सम्मान पाए, आप अपने प्रांत को सेवा देने का अवसर मिला, यह सब भी काम एनडीए सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये लोग भी काम करते हैं, क्या काम करते हैं? बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं बार बार। जब जब इनका जो है बुझ जाएंगे कि हमारा हार तय है, तब तब जो यही बात आवाज़ उठाएंगे
कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, भाजपा आ जाएगी तब संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जब जब ये लोग हारने लगते हैं तो तब यही चीज़ बोलते हैं कि देखिए आरक्षण जो है वो खतरे में है, संविधान जो है वो खतरे में, लेकिन अगर बात किया जाए थी पिछड़ा के अगर कोई दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका उदाहरण बता रहे हैं हरीश सहनी कि हम हैं, हमें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद अभी जो है वो मंत्री बनाया गया है, ये मुकेश सहनी जो हेलीकॉप्टर से घूमते, इससे पहले सोना के रथ पर भी घूमे थे, ये तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी बातों को रखा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।